नमस्कार दोस्तों, रोहित इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 7297 ओडी बोर्ड की कैसे वायरिंग की जाती है इसके बारे में डिटेल से आपको समझाएंगे कि आपको कौन सी वायरिंग कहां लगानी है और इस बोर्ड की क्या खासियत है। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे, ये हमारे डेक्सा कंपनी का 7297 का डुअल आईसी का बोर्ड है। इस बोर्ड की खासियत की बात करें तो दोस्तों, इस बोर्ड के अंदर अच्छा बास स्टेबल है क्योंकि इसके अंदर 324 आईसी लगाई हुई है बोर्ड के अंदर, और इस बोर्ड में आवाज़ फटती भी नहीं है स्पीकर की। तो इस बोर्ड के कैसे कैसे कनेक्शन होंगे इसके बारे में हम आपको डिटेल से समझा देंगे दोस्तों कि आपको कौन सा वायर कहाँ लगाना है। ये 324 जो आईसी होती है दोस्तों, ये बास टेबल की सबसे हैवी आईसी होती है। ये हमारे बास टेबल के कनेक्शन है इसके अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या बताना होगा आपको, ये 12 वोल्ट इस बोर्ड के अंदर कहाँ जाएगी। यहाँ 12 वोल्ट के तार लगाने होंगे प्लस माइनस के, और ये हमारे मॉड्यूल कार्ड के 5 वोल्ट और ग्राउंड का वायर लगेगा यहाँ पर। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे ट्रेबल के वॉल्यूम लगेगा। ये ट्रेबल के वॉल्यूम के कनेक्शन हो गए और बराबर में बास के वॉल्यूम के कनेक्शन हो गए। और इसी के पास में वॉल्यूम के कनेक्शन है ये वाले। तो बास, ट्रेबल और वॉल्यूम, ये तीनों हमारे नीचे एक ही साइड में लगे हुए हैं, और ये हमारा ऑडियो इन राइट और लेफ्ट दोनों वहाँ लगाए जाएंगे। ये हमारे स्पीकर के पॉइंट हो गए। एक आईसी में 2 स्पीकर लगाए जाते हैं। इसमें लास्ट की पहली पिन इनकी स्पीकर की हो गई है। इस बोर्ड में हैवी कैपेसिटर लगाए हुए हैं दोस्तों, जिससे कि ये बोर्ड अच्छे तरीके से अपना काम करे। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, हमें इसकी वायरिंग कर लेंगे। ये 2 वायर हमारे स्पीकर के हो गए। इस आईसी में दोस्तों 2 स्पीकर चला सकते हो आप। एक आईसी से 2 स्पीकर बच जाते हैं इससे। तो एक आईसी से हमने दोनों स्पीकर के वायर निकाल दिए। ये इसी तरीके से दूसरी आईसी से भी 2 वायर निकाल लेंगे स्पीकर के। ये हमारे दोनों स्पीकर के वायर हो गए हैं। एक आईसी से 2 स्पीकर बजा सकते हो आप। इसके बाद दोस्तों, 2 तार हम 5 वोल्ट और ग्राउंड का लगा देंगे, जो हमारे मॉड्यूल कार्ड में लगाने के लिए काम आएंगे। ये हमारा ग्राउंड हो गया और ये 5 वोल्ट। ये 2 वायर हमारे 5 वोल्ट और ग्राउंड के हो गए हैं। इसके बाद 2 वायर और लेंगे दोस्तों हम प्लस माइनस के, जो 12 वोल्ट हमारे होंगे। ये कैपेसिटर के प्लस और माइनस पे ले लेंगे। ये कैपेसिटर के माइनस पॉइंट पर, ये कैपेसिटर के प्लस पॉइंट पर, ये हमारा 12 वोल्ट हो गया। इसके बाद दोस्तों, हमें बास टेबल के कनेक्शन करने होंगे। उसके लिए हमें 6 वायर लेने होंगे। ये हमने 3-3 की 2 वायरें ले ली हैं, जो वॉल्यूम के दोनों साइडों में लगा दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ट्रेबल के कनेक्शन करने होंगे। ये हमने 3 वायर ट्रेबल के एक साइड के लगा दिए हैं। इसी तरीके से जो 3 वाली वायर है हमारी दूसरी, इसकी दूसरी साइड के लिए लगा देंगे। ये हमारे ट्रेबल के कनेक्शन हो गए हैं। ये हो गए हमारे ट्रेबल वॉल्यूम के कनेक्शन। इसी तरीके से हम बेस के कनेक्शन करेंगे। इसके लिए भी हम 3-3 वायर ले लेंगे।
इन वायरों को भी हम बेस के लिए लगा देंगे। अब दोस्तों इस वीडियो को ढंग से देखोगे तो आपको पूरी एक एक चीज़ के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सा वायर कहाँ लगा है। ये बेस के तीन तार वो लगा दिए हमने। तो ये हमारे बेस और ट्रेबल के दोनों के कनेक्शन हो गए हैं अलग अलग। ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा ट्रेबल के कनेक्शन हो गए। इसके बाद दोस्तों हम 6 तार की वॉल्यूम में वायरिंग करने के लिए 6 वायर ले लेंगे। ये हमारे वॉल्यूम के कनेक्शन करेंगे हम। इसके बाद हम 6 वॉल्यूम के तार के, ये ग्राउंड हो गया हरे वाला, ये पीले वाला ग्राउंड हो गया, ये संतरी वाला हमारा इसका ऑडियो का वायर, ये भूरा तार ऑडियो का, और ये प्री पॉइंट, ये ऑडियो के प्री के तार हो गए। हमारे इसमें अब वॉल्यूम के कनेक्शन, बेस और ट्रेबल के तीनों कनेक्शन हो गए। ये 12 वोल्ट के, ये 7805 के, दोनों आईसी हो गए। अभी लगभग हमारे पूरे कनेक्शन हो गए बोर्ड के। अब इसे हम गाड़ी के डैक में कैसे लगाएंगे ये हम आपको बताएंगे। ये हमारे कार का, ये जो हमारे कार के डैक है इसका आगे का ये फ्रंट पैनल है, ये मॉड्यूल कार्ड है। इस मॉड्यूल कार्ड को हम किस तरीके से वायरिंग करेंगे, इस वॉल्यूम को कनेक्शन कैसे करेंगे, ये इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। ये बेस ट्रेबल के कनेक्शन है, ये ऑन ऑफ के। अब जो ये हमारा बोर्ड है इसके कनेक्शन हम कैसे करेंगे इसमें वॉल्यूम पर, ये हम आपको बताएंगे। अब तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों तारों को अलग अलग कर लेंगे। जो ट्रेबल का है वो ट्रेबल में लगाएंगे, जो बेस का है वो बेस में लगाएंगे, और जो मेन वॉल्यूम का है वो मेन वॉल्यूम में लगाएंगे। वायरों पर अच्छे तरीके से पेस्ट लगा के इस पर हम सोल्डिंग करेंगे। पहले इस कार्ड को हम खोल लेते हैं, क्योंकि इसमें इस कार्ड की वजह से इस वॉल्यूम के कनेक्शन ठीक तरीके से हो नहीं पाने के। इस कार्ड को हमने अलग कर लिया। इसके बाद ट्रेबल के कनेक्शन ट्रेबल के वॉल्यूम पर लगा देंगे। जो हमने 6 वायर ट्रेबल के निकाले थे, इन 6 वायरों को ट्रेबल के वॉल्यूम पे लगा देंगे। ऐसे ही बेस के वॉल्यूम के कनेक्शन कर देंगे। जो हमने 6 तार बेस के वॉल्यूम के निकाल रखे थे वो बेस पे लगा देंगे। ये हमारे ट्रेबल के कनेक्शन हो गए हैं। बीच का ऑडियो, साइड का प्री, और राइट हैंड का ब्लैक अर्थ। इसी तरीके से बेस के वॉल्यूम कनेक्शन कर देंगे। जैसे प्लेट में हमने वायर लगा रखे हैं सीधे सीधे, वैसे ही बेस के वॉल्यूम में भी सीधे सीधे वायर लगा देंगे।
ये बेस के वॉल्यूम के तार लग गए हैं, ट्रेबल के लग गए हैं। बेस ट्रेबल के होने के बाद दोस्तों इसके हम वॉल्यूम के कनेक्शन करने होंगे। ये बास ट्रेबल के दोनों के वायर लगा दिए और ये हमारे मेन वॉल्यूम के तार हैं। इसमें हरा और पीला तो ग्राउंड हो गया, ये हरा वॉल्यूम के ग्राउंड पे लगा देंगे। और पीला वाला वायर भी ग्राउंड पर, ये दोनों ग्राउंड हो गए। इन पर अच्छे तरीके से पेस्ट लगाकर सोल्डिंग करनी होगी, नहीं तो ये तार बार बार टूटते रहेंगे। ये दोनों वॉल्यूम के ऑडियो के हो गए। और ये प्री के वॉल्यूम हो गए। तो इस तरीके से हमारे बेस टेबल और वॉल्यूम के कनेक्शन हो गए हैं। एक बार दिखाना चाहता हूँ, देखो ये ग्राउंड, ये ऑडियो, ये प्री। तो बेस टेबल और वॉल्यूम कनेक्शन ये हो गए हैं। इसके बाद क्या करना है, हमें इस बोर्ड को 12 वोल्ट देकर 7805 जो आईसी है इसमें से 5 वोल्ट को चेक करना होगा। ये तो हमारे वॉल्यूम के कनेक्शन हो गए और ये बास टेबल के। तो मल्टीमीटर से 5 वोल्ट को चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं, हमारी 12 वोल्ट प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही। तो 12 वोल्ट इस प्लेट को हमने दे दी है। इस 12 वोल्ट देने के बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, मल्टीमीटर से 5 वोल्ट चेक करनी होगी कि 5 वोल्ट सही आ रही है या ज़्यादा आ रही है। अगर 5 वोल्ट सही आ रही है तो मॉड्यूल काट के कनेक्शन कर लेंगे, अगर 5 वोल्ट ठीक नहीं आ रही है तो पहले फिर हम वोल्टेज को ठीक करेंगे। तो मल्टीमीटर मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके अंदर 5 वोल्ट आ रही है नहीं आ रही। ये लगभग 5 वोल्ट ठीक आ रही है इसके अंदर, तो इसके कनेक्शन मॉड्यूल कार्ड में कर देंगे। ये जो हमारा मॉड्यूल कार्ड है इसमें 5 वोल्ट ग्राउंड का तार लगा देंगे। ये 5 वोल्ट का तार रेड वाला और ब्लैक वाला ग्राउंड का। पांच वोल्ट ग्राउंड का वायर लगा दिया ये। इसके बाद ये जो ऑडियो है इस ऑडियो के तार भी प्लेट में लगा देंगे। ये इसके इन वाले पॉइंट में लगा देंगे। ये जो हमारी कार्ड की ऑडियो आउट है हम प्लेट की ऑडियो इनमें लगा देंगे। हमारे मॉड्यूल कार्ड के भी पूरे कनेक्शन हो गए हैं, मॉड्यूल कार्ड के सप्लाई के और ऑडियो आउट के भी कनेक्शन हमने इसमें लगा दिए हैं। ये मॉड्यूल कार्ड हमारा चल गया है। एक बार इसकी साउंड टेस्टिंग कर लेंगे कि हमारे कनेक्शन ठीक तरीके से हुए नहीं हुए हैं। तो हम आईसी के तार को स्पीकर पर लगा के हम चेक कर लेंगे कि हमारे ठीक तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है।
एक बार से बजा के चेक करते हैं कि इसके बेस ट्रेबल के वॉल्यूम और मेन वॉल्यूम ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से आईसी के दूसरे वाले पॉइंट पर लगा के देखेंगे, ये तो हमारा ठीक तरीके से काम कर रहा है, ये बेस ट्रेबल हो गया, ये सही तरीके से काम कर रहा है। अब इसके हम दूसरे साइड पे भी लगा के देख लेंगे, हमारी दूसरी साइड भी ठीक तरीके से आईसी काम कर रही है नहीं कर रही है। तो आईसी के तार हम लगा के देख लेंगे, स्पीकर भी ठीक तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।